हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ सर एंड आई वेलकम यू ऑल एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जावा सीरीज की फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। आज हम लोग पहला प्रोग्राम को देखेंगे और सीखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ मैं पॉइंट्स आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे कि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आप कभी भी कैपिटल लेटर या कभी भी स्मॉल लेटर पे काम नहीं कर सकते, ठीक। या तो आपको स्मॉल लेटर पे काम करना है, और अगर आप किसी क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, ठीक। किसी भी चीज का डिक्लेरेशन अगर आप करेंगे तो आपको करना है स्मॉल लेटर्स में, और किसी भी क्लास को अगर क्रिएट करेंगे, वो क्लास किसी भी टाइप का हो सकता है, प्री डिफाइंड या यूजर डिफाइंड। क्लास को जब भी आप क्रिएट करेंगे तो आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है। मतलब अपर केस लेटर। क्लास को छोड़ करके अगर आप किसी भी चीज का डिक्लेरेशन कर रहे हैं, वो चाहे डेटा टाइप्स हो या फंक्शंस हो, आपको हमेशा स्मॉल लेटर का यूज करना है। वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हम लोग स्मॉल लेटर्स में करेंगे, ठीक। जावा, सेकेंड पॉइंट है, जावा इज नियरली 100% ऊप्स। व्हाट इज ऊप्स? ऊप्स इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सिस्टम, ठीक। जावा किसके प्रिंसिपल को फॉलो करता है? जावा फॉलो करता है ऊप्स के प्रिंसिपल को। जावा लैंग्वेज ऊप्स पर आधारित है, ठीक है। दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होते हैं पीओपी और एक होते हैं ऊप्स। पीओपी होता है प्रोसीड्योर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ऊप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पीओपी को फॉलो करता था सी प्रोग्राम, ठीक। लेकिन सी प्लस प्लस सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो ऊप्स के प्रिंसिपल को फॉलो करता था। सी प्लस प्लस दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो सोच करके बनाया गया कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, ठीक। लेकिन ये कंप्लीटली 100% नहीं था, ये हो पाया अराउंड 60%। ऊप्स, जावा पहला लैंग्वेज बना जो अधिकतर ऊप्स के प्रिंसिपल को फॉलो करता था, नियरली 100%। दुनिया में किसी भी चीज का एफिशिएंसी 100% नहीं होता है। आप जितना भी ट्राई कर ले, आप सोचेंगे कि बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, इस बार तो फाड़ के ही आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक होता है और 100% आ नहीं पाता है, 98% या 99% में आके रुक जाता है। आप सोचे हम तो पूरा पढ़े हैं, अपना 100% देंगे। आप सोचते हैं कि हम 100% देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाता है। उसी तरह जावा इज नियरली 100%, नॉट प्योरली 100%, नियरली 100%, ठीक। अगला पॉइंट है, इन जावा इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ फंक्शन विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी क्लास एज वी डू इन सी प्लस प्लस। अगर हमको किसी को फंक्शन बनाना है तो उसको क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो अपने क्लास का एक पर्टिकुलर मेंबर होना चाहिए, तभी उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। सी प्लस प्लस में वो क्लास का मेंबर नहीं होता था, फिर भी हम उसको फंक्शन डिक्लेयर कर सकते थे, फंक्शन उसका क्रिएट कर सकते थे।
लेकिन अगर जावा में हमको फंक्शन डिक्लेयर करना है, किसी भी एक को फंक्शन बनाना है, तो हमको उस फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर करना होगा। ठीक, ये बेसिक था, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सबसे पहला प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का सबसे पहला प्रोग्राम होता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहां से अपना प्रोग्रामिंग होता है स्टार्ट। अब बार बार मैं राइट अ प्रोग्राम नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा WAP, वैप, वैप टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक, अच्छा समझिए, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर होता है चार टाइप का। सबसे पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, तीसरा प्रोटेक्टेड, चौथा डिफॉल्ट। ठीक, एक्सेस स्पेसिफायर, हम किसको एक्सेस करने का परमिशन दे रहे हैं, हम किसको एक्सेस करने का परमिशन दे रहे हैं, ये होता है एक्सेस स्पेसिफायर, जो स्पेसिफाई करता है कौन एक्सेस कर पाएगा। सबसे पहले आता है पब्लिक। पब्लिक का मतलब कि कोई भी एक्सेस कर सकता है मेरे क्लास को, मेरे क्लास को कोई भी एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में स्वच्छ शौचालय होते हैं, पब्लिक टॉयलेट, वहां पर जाता है जब भी कोई, किसी को परमिशन नहीं लगता है कि क्या हम बाथरूम यूज कर सकते हैं, क्यों, वो पब्लिक टॉयलेट है। ठीक, कोई भी जा करके कर सकता है अपना काम। ठीक, कोई भी जा करके बाथरूम करके आ सकता है। ठीक, तो वो है पब्लिक, जिसमें किसी को भी परमिशन नहीं लगा। पर ऑन द अदर हैंड, कोई भी आपके घर पे आपका बाथरूम यूज नहीं कर सकता बिना आपके परमिशन का, क्योंकि वो बाथरूम आपका प्राइवेट है, आपका परमिशन लेना पड़ेगा। अगर मैं इस क्लास को प्राइवेट कर दूं, तो परमिशन लेना पड़ेगा, क्या इस क्लास को एक्सेस कर सकता है कोई दूसरा क्लास या कोई भी एक मेंबर। ठीक, अगर ये क्लास प्राइवेट हो गया, तो इस क्लास का मेंबर ही उस क्लास को एक्सेस कर पाएगा। आउटर क्लास का कोई भी मेंबर एक्सेस करने के लिए परमिशन लगेगा। ठीक है, पब्लिक मतलब जो कोई भी हो एक्सेस कर सकता है किसी भी क्लास को, प्राइवेट मतलब परमिशन लेना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस करने के लिए, सिर्फ उसी का मेंबर अपने क्लास को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता प्रोटेक्टेड। सभी के घर में अलमारी होता है, ठीक है, सभी के घर में अलमारी होता है, उसका चाबी रहता है या तो पापा के पास या तो मम्मी के पास। ठीक है, आप उसी के घर के मेंबर हैं, आप वही घर के मेंबर हैं, पर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप अपने अलमीरा को एक्सेस नहीं कर सकते, मम्मी से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक, अगर हम किसी क्लास को प्रोटेक्टेड कर दें, तो इस क्लास का मेंबर भी अपने क्लास को बिना परमिशन के एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, आप सपोज करिए आप गए हैं स्कूल और आपके मम्मी पापा भी बाहर चले गए हैं, ठीक है, घर में ताला लग गया, आपके पास चाबी नहीं है, आप स्कूल से जब वापस आए देखे ताला लगा हुआ है, आप उसी के घर के मेंबर हैं, आप उसी घर के मेंबर हैं, पर आपके पास चाबी नहीं है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, और लास्ट होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब अगर कुछ भी ना हो तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो जाएगा। C++ में सिर्फ तीन एक्सेस स्पेसिफायर होता था, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। जावा में चार एक्सेस स्पेसिफायर होता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट। क्लियर, तो पब्लिक हम लोग क्यों लिखते हैं, सिग्निफाई करने के लिए कि
अपने क्लास को कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड देखिए, क्लास। ये क्लास क्या है? क्लास है मेरा कीवर्ड, क्लास है मेरा कीवर्ड। किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए हमको क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूं, इसीलिए क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा क्लास क्रिएट करने के लिए। कि क्लास, क्लास नेम, हेलो वर्ल्ड क्या है? क्लास नेम। अच्छा देखिए, क्लास नेम है पहला अल्फाबेट कैपिटल, पहला अल्फाबेट कैपिटल। ये सिग्निफाई करता है कि क्लास है ये। हेलो वर्ल्ड क्या है? हेलो वर्ल्ड है क्लास। हेलो वर्ल्ड क्या है? हेलो वर्ल्ड है क्लास। यहां पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। पहला लेटर कैपिटल। ये कौन सा क्लास है? ये है प्री डिफाइंड क्लास, सॉरी यूजर डिफाइंड क्लास। ये है अपना यूजर डिफाइंड क्लास। क्यों? क्योंकि इसे मैंने बनाया है, ये पहले से नहीं था, इसे मैंने बनाया है, इसीलिए ये यूजर डिफाइंड क्लास है। तो पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, ठीक। ओपनिंग ब्रेस, ये क्या है? ओपनिंग ब्रेस। सेकंड ब्रैकेट मत बोल दीजिएगा इसको, मैथ्स नहीं है, ठीक है, प्रोग्रामिंग कर रहा है। क्या है ये? ओपनिंग ब्रेस, ठीक। चार टाइप का ब्रैकेट होता है, फंक्शन ब्रैकेट, फंक्शन ब्रैकेट्स, ठीक, ब्रेसेस, ब्रेसेस। ये है ओपनिंग ब्रेस, और ये है क्लोजिंग ब्रेस, ठीक। थर्ड टाइप का ब्रैकेट होता है, थर्ड ब्रैकेट, जिसको मैथ्स में थर्ड ब्रैकेट बोलते हैं, ये है एरे ब्रैकेट, एरे ब्रैकेट्स, ठीक। फंक्शन ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं पैरामीटर पास कराने के लिए, पैरा मीटर, कोई भी पैरामीटर पास कराने के लिए या किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग फंक्शन ब्रैकेट का यूज करते हैं। अच्छा, होल बॉडी को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेसेस का। ब्रेसेस के अंदर क्या आता है? फंक्शन का बॉडी, ठीक है, फंक्शन का बॉडी या क्लास का बॉडी, ठीक। मतलब ये ओपनिंग ब्रेस से लेके ये क्लोजिंग ब्रेस तक, ये ओपनिंग ब्रेस से लेके ये क्लोजिंग ब्रेस तक हेलो वर्ल्ड का काम हो रहा है। ये ब्रेस ओपन से लेके ये ब्रेस क्लोज तक, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स आए हैं सब किसके मेंबर हैं? हेलो वर्ल्ड क्लास के मेंबर हैं, ठीक है। चलिए, ओपनिंग ब्रेस हुआ, अगेन ये अंदर आया, कंपाइलर अंदर आया, देखा पब्लिक लिखा हुआ, पब्लिक अगेन क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक कीवर्ड है, स्टैटिक क्या है? कीवर्ड। अगर हम किसी भी चीज को स्टैटिक कर दें, हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रोग्रामिंग आगे आएगा, प्रोग्रामिंग में बताऊंगा मैं। अगर हम किसी को भी स्टैटिक कर दें, हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। नो ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड। वॉइड, वॉइड का मतलब होता है रिटर्न जीरो। काम खत्म होने के बाद जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तो कोई भी स्टोरेज जो एलोकेट हुआ होगा वहां पर वो वैल्यू हट करके क्या रिटर्न कर देगा? जीरो रिटर्न कर देगा, ठीक। वो बक्सा का काम कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रिंग ARGS, ये अगेन देखिए मेन क्या है? मेन मेरा मेन फंक्शन है, फंक्शन जो कैसा है? मेन है, मेन। जिस तरह हर घर में एक ही गार्जियन होते हैं, या तो पापा या तो मम्मी, ठीक, उसी तरह ये हेड होता है। दुनिया में जितना भी क्लास होगा या जितना भी प्रोग्राम होगा, हर प्रोग्राम का एक ही मेन होगा, एक से ज़्यादा मेन नहीं होता है। दुनिया में हर प्रोग्राम का एक ही मेन होता है, ठीक। मेन क्या है? मेन फंक्शन है, और ये मेन फंक्शन का पैरामीटर है। क्या पास करा रहे हैं? स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। मैंने पहले बोला था कैपिटल लेटर मतलब क्या? कैपिटल लेटर मतलब क्लास,
पर ये कौन सा क्लास है, ये हम नहीं बनाए, ये क्लास हम नहीं बनाए हैं, ये क्लास कौन बनाया है, ये पहले से बना हुआ था। ये कैसा क्लास हुआ, ये हुआ प्री डिफाइंड क्लास, प्री डिफाइंड क्लास। ARGS, ARGS मतलब आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स। और अभी अभी बताया ये एरे ब्रैकेट, एरे ब्रैकेट। स्ट्रिंग ARGS, एरे ब्रैकेट, ठीक है। यहां पर स्ट्रिंग सिर्फ प्रीडिफाइंड क्लास की तरह काम नहीं कर रहा है, यहां पर स्ट्रिंग एक डेटा टाइप की तरह भी काम कर रहा है, जो कि इस प्रीडिफाइंड के अंदर पहले से डिफाइन किया हुआ है। आगे मैं प्रोग्राम में बताऊंगा इस पूरे स्टेटमेंट का, जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको डाउट बना रहेगा, ठीक है। फिलहाल प्रोग्रामिंग के लिए छोटा छोटा वर्ड में मैं तोड़ दिया हूं इसको, हर एक वर्ड को मैं आपको तोड़ के बताऊंगा। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक, किसी भी चीज को स्टैटिक करेंगे मतलब उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वर्ड रिटर्न जीरो, मेन, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में पैरामीटर क्या पास कराए हैं, स्ट्रिंग ARGS एरे ब्रैकेट, ठीक। एक आर्गुमेंट नाम का ARGS, ARGS नाम का एक एरे बनेगा जो किसको स्टोर कराएगा, स्ट्रिंग को स्टोर कराएगा। इसके थ्रू हम अपना पूरा प्रोग्राम को करेंगे, ठीक। अगेन मेन क्या है, फंक्शन है, उसका भी ओपनिंग ब्रेस है, मतलब ये ओपनिंग ब्रेस और ये क्लोजिंग ब्रेस के अंदर किसका बॉडी लिखा हुआ है, मेन का बॉडी लिखा हुआ है। और मेन किस बॉडी के अंदर आता है, मेन हेलो वर्ल्ड के बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए अगला आया सिस्टम, सिस्टम का एस कैपिटल है, सिस्टम का एस कैपिटल है, मतलब ये क्या है, सिस्टम है प्री डिफाइंड क्लास, प्री डिफाइंड क्लास। डॉट क्या है, डॉट, ये जो डॉट है ये है डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर के हेल्प से हम किसी के भी अंदर जा सकते हैं। सिस्टम के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, एक है आउट, एक है इनपुट, इन, सिस्टम डॉट इन, इनपुट के लिए इन, आउटपुट के लिए आउट। सिस्टम प्रीडिफाइंड क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है आउट नाम का। तो आउट यहां पर क्या है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, रेफरेंस, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ठीक। आउटपुट के अंदर क्या है, प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट, जो क्या करेगा, प्रिंट करेगा या डिस्प्ले करेगा, ठीक। एलएन क्या है, एलएन है न्यू लाइन, न्यू लाइन, नया लाइन में जाकर डिस्प्ले करेगा, ठीक। सबसे पहले सिस्टम को कॉल किए, सिस्टम के अंदर गए, प्रीडिफाइंड क्लास के अंदर गए, किसका यूज करके, डॉट ऑपरेटर का यूज करके, आउट। अब आउटपुट फंक्शन के अंदर जाना है, आउटपुट फंक्शन के अंदर जाना है, क्योंकि आउटपुट फंक्शन के अंदर है प्रिंट फंक्शन, इसीलिए डॉट और प्रिंट नया लाइन से करना है, इसीलिए एल एन। नया लाइन में जा करके ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड, डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज अपने को प्रिंट करना रहेगा। यहां पर कोई भी केस मैटर नहीं करता, आप अपर केस में लिखिए या लोअर केस में लिखिए, ठीक, कुछ भी मैटर नहीं करता यहां पर, हेलो वर्ल्ड जैसे आप लिखेंगे वैसे ये प्रिंट करेगा, डबल कोटेशन के अंदर, फंक्शन ब्रैकेट सेमी कोलोन, ठीक। क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। मेरा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट यहां प्रिंट करेगा हेलो स्पेस वर्ल्ड, जो भी हम प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे वो मेरा प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। ये था मेरा पहला प्रोग्राम। अच्छा, कुछ कुछ पॉइंट है आप इसको नोट करिएगा। आउटर क्लास, आउटर क्लास आइदर पब्लिक और डिफॉल्ट या नथिंग, कुछ नहीं लिखेंगे अपने हम लोग यहां पर, या तो पब्लिक लिखेंगे या तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। अगर आप आउटर क्लास को ही प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर देंगे तो बाहर से कोई भी क्लास इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप आउटर क्लास को पब्लिक रखिए, इनर क्लास को आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रखेंगे तो कम से कम आउटर क्लास के अंदर जा करके वो एक्सेस कर पाएगा, और जिसको आपको एक्सेस नहीं करवाना है उस क्लास को आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर दीजिए। नहीं तो जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाहर में, ये अंदर जाने नहीं देगा, ठीक। इसी कारण आउटर क्लास
प्राइवेट या प्रोटेक्टेड हम लोग नहीं करते, कभी नहीं करते हैं। आउटर क्लास कभी भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। अगला है कैमल केस। जिस तरह अपर केस होता है कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, लोअर केस होता है स्मॉल लेटर में लिखने के लिए, उसी तरह कैमल केस होता है क्लास का नाम लिखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारा वर्ड्स से हम एक क्लास का नाम बना रहे हैं, स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस हम नहीं दे सकते। अगर स्पेस दे देंगे वो दो वर्ड में टूट जाएगा, ठीक है। इस कारण हमको सिंगल वर्ड रखना है, लेकिन हेलो वर्ल्ड तो दो वर्ड से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पर हम स्पेस दिए नहीं है, ठीक है। अगर हम W को भी स्मॉल लिख देते हैं तो हेलो वर्ल्ड समझने में प्रॉब्लम होता। तो कैमल केस बोला कि आपको जितना वर्ड रखना है सबको सटा करके रखिए, पर हमेशा अगले वर्ड का या न्यू वर्ड का पहला लेटर को कैपिटल कर दीजिएगा, H कैपिटल, अगला वर्ड का W कैपिटल। अब इसके बाद दूसरा कोई वर्ड होता तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता, इसको बोलते हैं कैमल केस, बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। अब ये जो फाइल सेव होगा, ये सेव होगा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा एक्सटेंशन। डॉट जावा क्या है? एक्सटेंशन है। वीडियो नंबर आप 02 देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। डॉट जावा, डॉट जावा किसका एक्सटेंशन है? ये जावा फाइल का एक्सटेंशन है। अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल किसमें कन्वर्ट होगा? हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल में आफ्टर कंपाइलिंग। बुझे? तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम, समझिएगा। अगले प्रोग्राम में मैं आपको और सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर क्लास पसंद आया हो क्या करना है आपको? लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और जिसको भी हेल्प लगेगा जावा में आप उस स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।